बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नियाज अहमद खास के लिए प्रेजिडेंट आल सैन पीसफुल मेडिकल कॉलेज डिवीज़न। जश्न आज़ादी के 14 अगस्त की खुशी पे पूरे पाकिस्तानी अवाम को और पाक आर्मी को, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को और अपने पैरामेडिकल के दोस्तों को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और हम ये दिन हमारा जश्न आज़ादी का इससे भी ज़्यादा खुशी का दिन होता है और पाकिस्तान की आज़ादी का दिन होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीर अहमद है, आई एम सोशल एक्टिविस्ट एंड थिएटर आर्टिस्ट। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। 14 अगस्त की खुशियों में हमारे शहदा को ज़रूर याद कीजिएगा और एक अदद प्लांट, एक अदद पौधा अपने गली मोहल्ले में ज़रूर लगाइएगा ताकि ये मुल्क हमेशा शादो आबाद रहे। उन सब का शुक्रिया जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अपना वक्त, अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। शर्जील गोबलानी, सदर ऑल सिटी ताजिर एसोसिएशन, डिप्टी कन्वीनर कराची ताजिर एक्शन कमेटी। 1947 से अल्हम्दुलिल्लाह 74 साल पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए हो गए हैं और जो मुश्किलात का सामना पाकिस्तान ने किया है, इसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को इज्जत दी है उसमें सबसे अहम किरदार पाकिस्तान की अफवाज का है। अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई शोबे में अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के दिफा में सबसे अव्वल दस्ता और हर अव्वल किरदार जो है पाक फौज ने किया है। थोड़ा सा हमारा मामला आज तक रहे हैं कि हमें अब तक लीडर कोई कायदे तो मोहम्मद अली जिन्ना के बाद नहीं मिल सका। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ चंद सालों में कोई ना कोई पाकिस्तान को लीडर भी मिल जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जिस तरह दिफाई शोबे में तरक्की की है और दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, आज हम पाकिस्तान एटमिक जो है स्टेट बन चुका है, उसकी वजह भी अगर आप देखा जाए तो हमारे सियासतदानों के साथ हमारे पाक फौज का बहुत बड़ा किरदार है। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि पाकिस्तान की मईशत भी बहुत जल्द स्ट्रॉन्ग होगी और पाकिस्तान का जो मकाम खोया है पाकिस्तानी अवाम ने, इंशाल्लाह दुनिया में अल्लाह ताला उसमें भी सुरखरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया सुमरो है और मेरा ताल्लुक लियारी से है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो 14 अगस्त के हवाले से हम बात करेंगे। सो 14 अगस्त हमारा, जिस तरीके से हम ईद मनाते हैं उस तरीके से हम 14 अगस्त मनाते हैं और 14 अगस्त हम बड़े जश्न से मनाते हैं। लाइक दिस के हमारे फौजी भाइयों ने बड़ी मेहनत से ये मुल्क आज़ाद करवाया है। सो कायदे आज़म का बड़ा एक प्यारा सा नगमा है, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है ऐसा। सो हम इसी तरीके से मैं खुद बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं पाकिस्तानी और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाऊँगी पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। और 14 अगस्त के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप अपने घर में कोई फंक्शन मनाते हैं तो प्लीज़ दिल खोल के, तो आज़ादी के दिन है इसको तो दिल खोल के मनाएं जिस तरीके से ईद मनाई जाती है। एंड मैं लास्ट टाइम ही क्वेटा से विन होके आई हूँ गोल्ड जीत के और लियारी वालों के लिए मैं फ़ख्र पाकिस्तान भी बनूँगी और ये साबित करके आई हूँ कि मैं भी किसी से कम नहीं। सो आगे बढ़ो पाकिस्तान, तेरी अजमत के लिए किसी भी रिंग में उतरने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सैयद मुनीर शाह, ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ यूनिट का सदर हूँ यहाँ सिविल हॉस्पिटल कराची में। 14 अगस्त हम पाकिस्तानी कौम के लिए एक ईद का सेलिब्रेशन है। जिस तरीके से हमने अभी ये कुर्बानी की ईद की है, इस तरीके से हम रमज़ान की करते हैं, समझो ये हमारी तीसरी ईद होती है। तो इंशाल्लाह जिस जोश और जज्बे के साथ ये कौमें हमसे पहले भी, अब इंशाल्लाह हमारे बाद भी, हम तो यही कहेंगे कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद रहे और इसकी ये सेलिब्रेशन 14 अगस्त जो है ये मिलके सारी कौम, उसमें जो भी पार्टियां हों, वो चाहे हुकूमतों में हों, वो चाहे दूसरी जगहों पे हों, वो गवर्नमेंट मुलाजिम हों या वो पब्लिक हो, हर पाकिस्तानी कौम जिस भी शहर मुल्क में रहता है उसको ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। हम शुक्र गुज़ार हैं उस टाइम के भी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, दूसरों के, जिन्होंने हमें ये आज़ाद मुल्क दिया। हम मुसलमान यहाँ जिस तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम ख़ुद को खुश नसीब समझते हैं। दूसरी कौमों पे मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, शाम में, लबनान में, यमन में, हम पाकिस्तान में फिर भी मुसलमान कलमा को, रसूल खुदा के, पंतन पाक को मानने वाले इज़्ज़त के साथ रह रहे हैं। ये इज़्ज़त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जा रहा है जिसने हमें ये आज़ाद मुल्क दिया, पाकिस्तान दिया, उसमें हम सारे उस दिन को आज मना रहे हैं। तो मैं आपकी मीडिया के तवसल से पूरी कौम को, पाकिस्तान को, खास करके मैं जिस पार्टी को लाइक करता हूं, पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो चेयरमैन साहब को और हम अपनी पैरामेडिकल कराची डिवीज़न के सदर नियाज अहमद खास के अली साहब को,
سب کو آپ کی میڈیا کے توسل سے مبارکباد دیتا ہوں. 14 اگست سیلیبریشن. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. ہمارا ملک جو ہے یہ کوئی ایسا آسانی سے نہیں بنا ہے اور اتنی قربانیوں سے بنا ہے. اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی ہمیں اپنے اس 14 اگست کو اس نشان و شگوف سے منانا چاہیے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ یہ زندہ قوم ہے. میں ڈاکٹر فوجی ڈاکٹر فوجی